अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बस आपके साथ एक वीकेंड का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और यहाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, ना भी और सब कर चुके हैं और मैं रहती थी, सो मैंने सोचा कि कुछ स्क्रम्बल एग बना के कुछ सैंडविच बना लूँ। सो बस मैं ये बना रही थी और अनाविया जो हैं बस कह रही थी मम्मा जल्दी करें ब्रेकफास्ट प्ले करें, क्योंकि छुट्टी थी आज, घर पे थी, वो स्कूल नहीं गई थी, तो वो हर थोड़ी देर बाद तो वो बोर हो जाती हैं। सो आई डोंट नो बच्चे आजकल क्यों इतनी जल्दी बोर हो जाते हैं, आप लोग के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं या मैं ही ऐसे एक्सपीरियंस कर रही हूँ। सो ज़रूर शेयर किया करें अपनी चीज़ें कॉमेंट बॉक्स में और मेरे ब्लॉग्स के बारे में भी। सो बस मेरा ये डन हो गया है, मैं ब्रेकफास्ट करूँगी अब जी। यहाँ तो मैं अनाबिया को रूफ पे लेकर आ गई थी कुछ प्ले करने, तो वो अपनी स्कूटर ले आई थी। नाइस व्यू, दिस वन हैप्पी। जी रूफ से हम आ गए थे प्ले करके, काफ़ी प्ले किया वहाँ पर। और अब यहाँ पे आके बस अनाबिया को जो है ना टॉय कोई मिल नहीं रहा था, और ये बस मैंने अपना स्टोरेज खोला था बैट का। अच्छे मैं शूज़ दिखा रही थी, अनाबिया के शूज़ हैं जो कि छोटे हो गए, वन टाइम पहने और बस पड़े हुए, चलती करना है इन्हें। इसका वो भी तो था ना कवर। फाइनली अनाबी जिस टॉय को ढूंढ रही थी और मेरे पीछे पड़ी हुई थी, इतना पागल क्या हुआ था लाइक मुझे कि मम्मा मुझे निकाल के, तो वो मिल गया उसे। स्ट्रेट करिए, स्ट्रेट। यहाँ मैं अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि अब विंटर्स आ गए हैं, सो बस अब तो कम कम ही हो जाएगा। सो मैंने कहा लास्ट टाइम और खा लूँ मैं जी। अब मैंने जो है वॉशिंग मशीन में डाल दी अपने सारे क्लोथ्स और मशीन में ऑन करूँगी। अच्छा यहाँ मैं सारा अपना जो है क्लीनिंग स्टफ़ रखती हूँ इस वाले कैबिनेट में, सारे मेरे वॉशिंग की चीज़ें और सारे बिन बैग्स और वाइप्स वगैरह, और वह बिल्कुल गंदा हो रहा है, मुझे उसे क्लीन अप करना है। किचन इंशाल्लाह आपसे शेयर भी करूँगी। बस वीकेंड भी अगर घर पे रहो तो बस ऐसे ही गुजर जाता है, कभी कोई काम कभी कोई काम, ये छोटे छोटे काम इतने सारे होते हैं और टाइम निकल जाता है। और अभी तक मैंने अपनी कुकिंग नहीं स्टार्ट करी, अभी करने जा रही हूँ, लेकिन अभी सबसे पहले एयर फ्रायर तो मैंने आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दिया था और रिव्यू भी दे दिया था अपनी लास्ट 2-3 वीडियोज़ में। सो अगर कोई देखना चाहे उसमें मैंने फ़िश बनाई थी, सो रेसिपी देख सकते हैं आप लोग। यहाँ मैं अनाबिया की चिकन पॉप्स जो फ्रोज़न होते हैं, चिप्स जो होते हैं फ्रोज़न, वो बना रही हूँ। वो मैं इसमें डाले एयर फ्राई में और ये 7-8 मिनट में ये रेडी हो गए। चिकन भी विद नो ऑयल, कोई भी ऑयल नहीं लगाया ना, मैं देखें ये चिप्स कितने अच्छे बने, बिल्कुल मैकडोनल्ड टाइप के और ऑयल के बगैर। और वैसे भी ऑयल हेल्दी नहीं है, अगर बच्चों के लिए तो आप थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं ऑयल, और अगर कोई डाइट कर रहा है और ऑयल नहीं खाना तो उसके लिए तो ये एयर फ्रायर बेस्ट है। बगैर ऑयल के हर चीज़ कुक करता है बहुत अच्छे से और क्रिस्पी भी होता है जी। अनाबिया कर रही हैं अपना लंच और मैं यहाँ कर रही हूँ कुकिंग। और मैं लंच क्यों नहीं कर रही, ये मैं आपसे शेयर करूँगी अपना पूरा मील और मैं
कितने टाइम खाती हूँ, क्या खाती हूँ, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। सो अभी आ जाते हैं रेसिपी की तरफ से तरफ। लैम यखनी पुलाव बन रहा है। अच्छा, ये मैंने यखनी चढ़ा दी थी और यखनी में मैंने क्या क्या डाला था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाती तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, जो कि फिर आप लोग नहीं देखेंगे, आई नो। अच्छा, सबसे पहले मैंने लिया पानी, इतना पानी डबल लेना आपने कि आधा वो कुक होके फिनिश हो जाए और आधा बच जाए जिसमें आपको राइस बनाने है यखनी में। उस पानी में मैंने जो है लैम का गोश्त डाला है, ठीक है, आधा किलो से ज़्यादा डाला है, और मैंने काली मिर्चें 10 डाली हैं, लौंग डाली है, साबुत गोल मिर्ची डाली हैं, धनिया साबुत धनिया डाला है 3 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून सौंफ डाली है, और तेज़पत्ता डाले हैं 2-3 टुकड़े उसके दालचीनी के डाले, और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, और इलायची जो होती है, बड़ी इलायची छोटी इलायची दोनों एक एक डाली हैं, क्योंकि मैंने एक एक इसलिए डाली क्योंकि मैं आधा किलो गोश्त का बना रही हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 किलो का बना रही हूँ, जिसमें आधा किलो से ज़्यादा गोश्त होगा और 1 किलो राइस होंगे। तो इस तरह मैं यखनी मैंने पकाने रख दी थी, और देखा था मैंने आपको दिखाई थी वो बिल्कुल रेडी हो गई थी पक पक के, वो हाफ़ हो गई थी, और जब वो हाफ़ हो जाए तो बस आप चूल्हा बंद कर लें। मैंने 1 घंटे उसको पकाया था, साबुत अदरक और लहसुन भी डाला था। यखनी डन हो जाए उसका चूल्हा बंद कर दें। आप दूसरा आपको दोबारा से एक पतीला लेना होगा, उसमें आपने भगाड़ के लिए तैयारी करनी होगी, ऑयल डाला जैसे मैंने, देखें प्याज डाली है 3 प्याज डाल के उसको रेड किया है, ज़ीरा डाला है, गोल मिर्ची 1-2 डालूंगी मैं, तेज़ पत्ता डालूंगी मैं, दालचीनी डालूंगी मैं, दालचीनी बहुत ज़्यादा डालती हूँ मैं उसमें पुलाव में, क्योंकि वो बहुत अच्छा टेस्ट देती है। गोल मिर्ची यखनी में भी डलती हैं और इसमें भी डलती हैं, क्योंकि मिर्ची ये इसी की होती हैं साबुत गोल मिर्ची, और तो कोई हम स्पाइसेस डालते नहीं पुलाव में। तो बस ये सारा गर्म मसाला डलेगा इसमें, और डालने के बाद आपने ये जो यखनी का गोश है, जो बॉयल यखनी है, उसको खाली गोश आपने डाल के भूनना है पहले अदरक लहसुन के साथ, और यखनी बाद में डलेगी, पहले भूनेगा, लेकिन इस तरह मैं कर रही हूँ। अच्छा, थोड़ा सा सॉल्ट हम जो है नमक वो यखनी के अंदर भी डालते हैं, उस पानी में भी होता है, और थोड़ा अब हम इसमें भी डालेंगे जब भगाड़ अभी तैयार करें इसमें भी डालेंगे, तो इस तरह डाल दीजिएगा नमक तेज़ ना हो जाए, दोनों चीज़ों में डाल रहे हैं, और यखनी में मैं इसलिए डालती हूँ नमक कि थोड़ा गोश्त में टेस्ट आए, मतलब बहुत फीका फीका लगता है, तो मैं दोनों में डालती हूँ, थोड़ा सा उसमें डालती हूँ, थोड़ा इसमें डालती हूँ। तो अब देखें, अच्छा मैंने डाला है ये पेस्ट डाली हूँ जिंजर का और गार्लिक का, और गार्लिक की बॉटल इतनी ज़्यादा टाइट थी, वो ओपन नहीं हो रही थी, न्यू बॉटल मैंने ओपन की थी, और बस फिर मैंने इतनी ट्राई करी वो ओपन ही नहीं हुआ। सो अभी मुझे वो करके साबुत लहसुन डालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मैं भूनती ज़रूर हूँ गोश्त को। ये देखिए सॉल्ट डाल दें अपने हिसाब से, और बस इसको इस तरह भूने, और आप थोड़ा सा 2 टेबल स्पून जो है आपको बहुत थोड़ा सा दही भी डालना पड़ेगा, और बस फिर इसको आप भून लें 2-3 मिनट। देखिए मैंने 2 टेबल स्पून ही डाला है, बस ज़्यादा नहीं। जब ये भुन जाएगा तो बस थोड़ा सा इस तरह लेमन भी डाल दें आप, जो लीमू होता है स्किन के साथ, थोड़ा सा काट के, और हरी मिर्च 2-3 डाल दें ऐसे ही। ये लहसुन मुझे इस तरह डालना पड़ रहा है क्योंकि मेरे जो पिसा हुआ जो लहसुन का पेस्ट होता है वो जो है बॉटल ओपन नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा इस तरह करके मैं डाल देती हूँ। हस्बैंड होते ना तो वो ओपन कर देते, वो अभी है नहीं, तो मुझसे नहीं ओपन हो रही है, बहुत टाइट है बॉटल। तो मेरा काम तो हो गया, बस इसको इस तरह आपने भूनना है, और ज़्यादा नहीं भूनना, बस ये देखिए सारा, बस टोटल 5 मिनट्स हैं, सब चीज़ें डालते रहें और आप भूनते रहें। अब ये हो गया रेडी, और ये देखिए यखनी मेरी जो मैंने पहले रेडी करी थी वो छान के डालना है आपने, इसकी सारी चीज़ें नहीं डालना, सिर्फ पानी डालना है, मैंने छान के रख ली थी, और उसके बाद मैंने राइस धो के वो भी डाल दिए इसमें, देखिए इस तरह है, और बस अब इसको आप कुक करने छोड़ दें। ये देखिए मैंने दम लगा दिया था, और देखिए मेरा यखनी पुलाव जबरदस्त मज़ेदार रेडी है,
बड़ी इसकी अच्छी लुक आई थी। ये देखें, और यखनी पुलाव जो होता है ना उसमें कलर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, जो फूड कलर होता है। ये देखें बस अब हम खाने लगे हैं और रियली बहुत टेस्टी बना था ये। जी व्यूवर्स, आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।